नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रबल एकेडमी का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आज के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं पिछले अभ्यास प्रश्नों के सही उत्तर। तो हमारा पहला अभ्यास प्रश्न था, एडीबी और आईईए के बीच हाल ही में किस क्षेत्र में एमओयू की अवधि बढ़ाई गई है। आपके ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए व्यापार के क्षेत्र में, ऑप्शन बी संचार के क्षेत्र में, ऑप्शन सी ऊर्जा के क्षेत्र में, ऑप्शन डी चिकित्सा के क्षेत्र में। और सही उत्तर था ऑप्शन सी ऊर्जा के क्षेत्र में। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि आईईए ने स्वच्छ ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने संबंधी 3 साल पुराने करार का नवीनीकरण करने पर परस्पर सहमति व्यक्त करते हुए हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी और आईईए के बीच मार्च 2017 में समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू हुआ था। इसके तहत विकासशील सदस्य देशों में एडवांस स्वच्छ ऊर्जा विकास को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए ऊर्जा के स्थायी माध्यम और स्वरूप विकसित करने का भी लक्ष्य तय किया गया है। हमारा दूसरा अभ्यास प्रश्न था, हाल ही में भारतीय कंपनी लॉयल टेक्सटाइल मिल ने दुनिया का पहला रीयूजेबल पीपीई किट लॉन्च किया, इसे क्या नाम दिया गया है। आपके ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए वायरल प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी किल कोरोना, ऑप्शन सी सेफ्टी शील्ड, ऑप्शन डी वायरल शील्ड। और सही जवाब था ऑप्शन डी वायरल शील्ड। तमिलनाडु की लॉयल टेक्सटाइल मिल ने 10 जुलाई 2020 को दुनिया का पहला रीयूजेबल पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट भारत में लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे वायरल शील्ड नाम दिया है। यह किट कोविड-19 से बचाव में लगे कोरोना वॉरियर्स के लिए काफ़ी सुविधाप्रद होगी। तो आइए शुरू करते हैं 15 जुलाई के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ आज का कार्यक्रम। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस देश में पहली बार रेल मार्ग से सूखी मिर्च का परिवहन किया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। और सही उत्तर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। भारत ने पहली बार बांग्लादेश को सूखी मिर्च का निर्यात रेल मार्ग से किया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेड्डीपलेम से सूखी मिर्च की एक विशेष मालगाड़ी 9 जुलाई 2020 को बांग्लादेश के बेनापोल के लिए रवाना की गई। रेलवे ने 16 पार्सल वैन से युक्त विशेष मालगाड़ी बांग्लादेश के बेनापोल को भेजी। मालगाड़ी के हर पार्सल वैन में सूखी मिर्च की 466 बोरियाँ थी। इसका कुल वजन लगभग 19.9 टन था। विशेष पार्सल एक्सप्रेस मालगाड़ी के जरिए 384 टन मिर्ची बांग्लादेश को भेजी गई। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, देश की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में आयोजित की गई। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और सही उत्तर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई को देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन ने इसका उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इसका आयोजन किया गया। इस राज्य स्तरीय ई लोक अदालत में हाईकोर्ट और जिला अदालतों और निचली अदालतों में विचाराधीन मुकदमों का मीडिएशन के माध्यम से निस्तारण किया गया। ई लोक अदालत में 23 जिलों की 195 बेंच में 31,033 मामले सुने गए। आइए अब देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। तो हमारा आज का पहला अभ्यास प्रश्न है, बाल श्रम के खिलाफ किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। हमारा आज का दूसरा अभ्यास प्रश्न है, किस प्रदेश में फसलों का ऑनलाइन रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आप हमें इन सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इन अभ्यास प्रश्नों के सही उत्तर जानने के लिए देखना मत भूलिए हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम।